भारत विकास परिषद ने अपना 55वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में मनाया। इस अवसर पर परिषद में आशीष रूंगटा, डॉक्टर हर्षवर्धन राय, डॉक्टर आरपी शुक्ला, डॉक्टर कपिल गोयल, डॉक्टर आशा रूंगटा, कपिल गोयल, निशांत अग्रवाल सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए समाज हित में आगामी कार्यक्रमों की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन के विकास को लेकर परिषद के सदस्यों को संगठित होने की बात भी की। एक इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है विकलांगों के लिए। भारत विकास परिषद लाखों विकलांगों को आज कृत्रिम अंग दे चुकी है और प्रति वर्ष बहुत लोगों को कृत्रिम अंग देती है, तो ये इनका राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चल रहा है। छोटे स्तर पे बहुत से कार्य आपने लगाए, वृक्षारोपण कर लिया, कोई ट्यूशन चला दिया, एकल विद्यालय चला दिए और कार्यक्रम अपने छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी बहुत कार्यक्रम है और बच्चों के लिए विशेष रूप से हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं कि भारत को जानो प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता। हमको विदेशों के तो राष्ट्रपति और उनके प्रेसिडेंट और उन सबके नाम पता, अपने लोगों के बच्चों से पूछते तो नहीं पता। कल ही मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था तो उससे ही मैंने पूछा कि भाई अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है, बनारस क्यों प्रसिद्ध है, उसको वो नहीं मालूम, लेकिन उसको टोक्यो के बारे में पता हो, उसको लंदन के बारे में पता हो, उसको सारी चीज़ों के बारे में पता होता, लेकिन हमारे अपने देश के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में उनको नहीं पता होता। तो हम भारत विकास परिषद इस संस्था के माध्यम से हम इस तरह के कार्य करें कि हम बच्चों के भारत के लिए प्रेम पैदा कर सकें, आपस में समाज में हम कुछ कर सकें। अगर कार्य कर रही है तब आपको पता चलेगा कि भारत विकास परिषद वास्तव में किस तरह की संस्था है। अभी केवल अपने में सिमटी हुई है तो अभी आप लोगों को अंदाज नहीं लग रहा, लेकिन वास्तव में भारत विकास परिषद बहुत बड़ी संस्था है जिसको बाहर जाके ही आप लोग की लखनऊ से अवध प्रांत से के अंतर्गत आते थे। पिछले लगभग एक साल से हम लोगों का प्रयास चल रहा था कि उन लोगों का भी कहना था कि इतने बड़े क्षेत्र में संपर्क करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, असुविधाएँ होती हैं, तो चाहते थे कि ये गोरक्ष प्रांत का गठन यहाँ पे कर दिया जाए और यहाँ के सारे आसपास की शाखाओं को यहाँ से जोड़ दिया जाए। उसके लिए कुछ मिनिमम शाखाओं की जरूरत थी, न्यूनतम संख्या की। उसके लिए डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी ने, मैंने और अशीष जी ने काफ़ी प्रयास किया, कई जगह पर व्यक्तिगत तौर पर जाया के लोगों से संपर्क किया, तो काफ़ी तेज़ी से प्रयास करने से हम लोग 7 शाखाएँ आसपास के जिलों में मिला करके बनाने में सफल हुए हैं। अभी और शाखाएँ हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से गाँवों का दूसरी शाखाओं को भी पता चले और वो भी प्रेरित होकर उस कार्यक्रमों को करें, क्योंकि हर शाखा कुछ काम कर रही है कुछ नहीं कर रही है। अगर एक का कार्यक्रम दूसरे के पास जाएगा तो सारे मिल करके और ज़्यादा कार्यक्रम हो जाएंगे और साल में एक दो कार्यक्रम ऐसे हों जो आसपास की सारी शाखाएँ मिल करके इकट्ठा होकर करेंगी तो उसका स्वरूप कुछ और अच्छा निकलते हैं। पूरे देश भर में 1400 से ज़्यादा शाखाएँ हो चुकी हैं और अभी पिछले ही माह 17 जून को अपना 71वां प्रांत गोरक्ष प्रांत के रूप में इस पदग्रहण समारोह गोरख में सम्पन्न हुआ। प्रथम बार गोरख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वेश्वर गुप्ता जी पधारे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गोरक्ष प्रांत में 7 शाखाएँ इसमें कार्यरत हैं, जिसमें 3 शाखाएँ अपने नगर की हैं, जिसमें गोरखपुर शाखा, गोरखपुर साकेत शाखा, एक गोरखपुर महिलाश्री है। गोरखपुर साकेत शाखा के कोषाध्यक्ष विजय हरिकृष्ण जी यहाँ मौजूद हैं, सभागार के इनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती विभा खंडेलवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका विद्यार्थी स्वागत है, उनका अभिनंदन है। कार्यक्रमों की इसी कड़ी में हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आज संगठन अपना स्थापना दिवस गोरखपुर में मनाया। आज पूरे देश भर में, अपने प्रांत भर में और अपने पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई जगह कई संगठन इस रूप से कार्य कर रहे हैं। कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं बच्चों के बीच में कोई प्रतियोगिता हो रही है, कहीं आज हमारे अवध प्रांत में आज कमल का शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही है। इसी तरह कई कार्यक्रम पूरे देश भर में आज मनाए जा रहे हैं।